साई, अभी तो भरे दोपहर ही है, इस वक्त आप दिया क्यों जला रहे हैं? दिया सिर्फ रोशनी के लिए नहीं जलाते, दीपक कई चीजों का प्रतीक है, रोशनी का, भक्ति का और उम्मीद का भी। आज तुम सबको देखकर ऐसा लगा कि तुम्हें एक उम्मीद की जरूरत है, और जो लोग बात करने गए हैं उन्हें दुआओं की, इसलिए ये जला दिया। I respect your beliefs, Christina. I do. But it's been 5 years since your mom has been in a coma. Even the doctors have given up on her. But you still keep on believing, lighting prayer candles, praying to Jesus to perform a miracle. How long are you going to keep on suffering? Stop living in this fantasy and come back to reality, my love. साहिब, आपसे मिलने शिरडी से कुछ लोग आए हैं। I have to go, but let's talk about this later. I'm really worried about you. आप लोग मुझे बात करने दीजिएगा, कोई बीच में मत बोलिएगा। चांदोरकर, नमस्ते अल्बर्ट सर। मैं आज शिरडी वालों की तरफ से सड़क के बारे में बात करने आया हूं। इस मामले में मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। अगर आप लोगों को इस सड़क से जुड़ी कोई शिकायत है तो आपको कुलकर्णी सरकार से बात करनी चाहिए थी। आप यहाँ क्यों आए? कुलकर्णी सरकार मेरे पिता है, मैं उनका बेटा होने के नाते मैं यकीन के साथ कह रहा हूँ कि वो गांव वालों की समस्या से परिचित है, वो सब जानते हैं, लेकिन वो कोई मदद नहीं कर रहे, इसीलिए हम आपके पास आए। आप ही हमारी आखिरी उम्मीद है। अपना और मेरा टाइम बर्बाद मत करिए। It's none of my concern and I can't help you with this matter. अल्बर्ट सर, वैसे शिरडी में बनने वाली सड़क से मेरा भी कोई संबंध नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत रूप से मैं उस सड़क से प्रभावित नहीं होने वाला, लेकिन इन ईमानदार और मेहनती लोगों की तकलीफ में नहीं देख सकता। मैं इन गांव वालों के साथ सिर्फ और सिर्फ इंसानियत के नाते यहाँ आया हूँ, और उसी नाते कम से कम एक बार आपको हमारी फरियाद सुननी चाहिए। हम सब ब्रिटिश सरकार के नियमों से बंधे हैं, और आप भी। ये सब गांव वाले ब्रिटिश सरकार के बनाए नियमों का पालन करते हैं, समय पर कर चुकाते हैं। इस नाते क्या हुकूमत को इन गांव वालों की बात नहीं सुननी चाहिए? प्लीज जीसस, प्लीज हेल्प मी नाउ, इवन अल्बर्ट इज डाउटिंग माय बिलीफ। प्लीज आई प्रे यू फॉर माय मॉम, गिव मी अ साइन दैट माय बिलीफ is not worthless. Sai, Albert sahab maan to jayenge na?
संभाल कर साई। परेशान मत हो उद्धव, मैं ठीक हूं। अब इसमें अग्नि है। नहीं साई, इस अंगारे में अग्नि थी, फूंक मारते ही इसके अंदर की अग्नि धधक उठी। हर इंसान में वैसे ही एक अच्छाई होती है, बस फूंक मारने की देर होती है। मुझे यकीन है कि राम जी की कृपा से हमारे दोस्त भी वो फूंक मारने में कामयाब होंगे। How do I explain to Albert that my belief in you has some kind of significance? How do I explain him that I'm still waiting for some kind of miracle? समझना तो आप लोगों को चाहिए, जिनका घर, जिनकी दुकानें, जिनके जमीन जा रही हैं, उनको मुआवजा दे रहे हैं। घर के बदले नए घर है, और क्या चाहिए आपको? मुआवजा स्वीकार करिए और जाइए। अब ऐसे कैसे चले जाएं साहब? कहा था बीच में मत बोलना, लेकिन इससे रहा नहीं गया, हफ्तों बाद और बिगड़ जाएगी। मुआवजा मरहम हो सकता है, लेकिन जख्म नहीं भर सकता। जमीन हम हिंदुस्तानियों के लिए माँ समान होती, ऐसे कैसे अपनी माँ से दूर चले जाएं साहब? हम आपसे विनती कर रहे हैं और आखिरी दम तक करते रहेंगे। हमारी जमीन पुरखों की अमानत है, हमारी माँ समान है। मैं हमारी माँ से दूर मत कीजिए, हम जी नहीं पाएंगे। आप हमारी आखिरी उम्मीद है साहिब। उम्मीद? ब्रिटिश हुकूमत के फैसले को बदलने की उम्मीद भी कैसे कर सकते हो आप लोग, खास करके आप मिस्टर चांदोरकर? आप जानते हैं ब्रिटिश हुकूमत के फैसले बदलना असंभव है, और आप सब अभी भी उम्मीद लगाए यहां आए हैं। मेरे बाबा अक्सर कहा करते थे कि इंसान जब डर और दुख से घिर जाता है तो एक उम्मीद ही होती है जो प्राणवायु का काम करती है। वो वायु, वो हवा, जिसके बिना जीना नामुमकिन है। इसलिए हम उम्मीद कर रहे हैं कि आप हमारी मदद करेंगे, क्योंकि इसके अलावा हमारे पास दूसरा कोई विकल्प ही नहीं है। आप लोगों को जो बोलना था बोल दिया, मुझे जो कहना था कह दिया। अब आप लोग जा सकते हैं यहां से। आपके पास खोने के लिए समय होगा, लेकिन मेरे पास नहीं है। एक बात याद रखिए, ब्रिटिश हुकूमत के आदेश अगर किसी के रोने धोने से बदलने लगे तब तो हुकूमत कुछ नहीं कर पाएगी। हम गरीबों के पास और कुछ नहीं, बस उम्मीद होती है। आपने हमारी सुन ली तो हम गरीब आपको दुहाई देंगे। हमें आपसे ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ी सी मोहलत, हमारी कोशिश का समर्थन। यकीन मानिए, बेघर होने वाला वो हर परिवार आपको दिल से दुआएं देगा। अगर आपने उनकी छत सलामत रखी तो आपकी, आपके परिवार की सलामती की प्रार्थना करेंगे। बस बहुत हुआ, तुम लोग जाते हो या नहीं?
Please, Albert, give them some time. It is my request. Even I feel that hope is the basis of life. I know that there is a rare possibility that my mom can survive, but I still have hope because that's the last option I have. My mother used to say that a house is like a mother that protects you from all adversities. Please, Albert, I request you to at least give them a chance to save their houses. Because I believe that their prayers can save my mom as well. Please, do not send them with empty-handed. Please, for Jesus' sake, for my sake. ठीक है, तुम कह रही हो तो तुम्हारे लिए मैं जरूर करूंगा. थैंक यू. देखिए, सरकारी आदेश से मेरे हाथ बंधे हुए हैं, फिर भी मेरे अधिकार के हिसाब से मैं आपको एक दिन की मोहलत देता हूं. आप मुझे कल तक कोई ऐसा रास्ता या ऐसा विकल्प बताइए जिसे मैं ब्रिटिश हुकूमत के सामने रख सकूं. अगर आपका सुझाव ब्रिटिश हुकूमत का मंजूर हुआ तो ठीक, लेकिन अगर उन्होंने मना किया तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा. एक दिन? जी हाँ, मैं इतना ही कर पाऊंगा. हमें मंजूर है. एक दिन में दूसरी योजना कैसे मुमकिन है? आपने देखा ना अभी क्या हुआ. एक इंसान ने दूसरे इंसान का दर्द समझा. हम तर्क वितर्क सोचकर आए थे और भावनाएं काम आई, इंसान की अच्छाइयां काम आई. जैसा साई ने कहा था, मुझे पूरा यकीन है साई हमें इस समस्या से जरूर बाहर निकालेंगे. रंग, धर्म, जाति कुछ मायने नहीं रखता है. इंसान के अंदर की अच्छाई और बुराई ही उसकी असली पहचान है. हम जो देते हैं वही पाते भी हैं, इसलिए सबको अपनी अच्छाई दिखाएं, बदले में अच्छाई मिलेगी. कर भला तो हो भला. अल्लाह माले. हरिओम हरिओम. उस अल्बर्ट की मति मारी गई है. मुझे तो विश्वास था कि इन फटी चरों को वो चौकट पे खड़ा नहीं करेगा, लेकिन हुआ विपरीत. उसने इनकी बातें भी सुन ली और एक दिन का समय भी दिया दूसरा कोई विकल्प बताने के लिए. अब बेकार ही परेशान हो रहे हैं सरकार. कोई एक दिन में दूसरी योजना कैसे बना लेगा? हाँ सरकार, आप देख लीजिएगा, कोई भी कुछ कर ही नहीं पाएगा. कुल होगा वही जो आप चाहते हैं. हाँ सरकार. मेरे चाहने से यदि सब कुछ होता तो वो फकीर आज शिरडी में ना होता. वो लोमड़ी की तरह केवल धूर्त नहीं मक्कार भी है. पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि वो कोई ना कोई तोड़ अवश्य निकाल लेगा, और यदि ऐसा हुआ तो पुनर्वास के पूरे पैसे मुझे लौटाने होंगे जो मैं कहीं और निवेश कर चुका हूं. हम ऐसा होने नहीं देंगे सरकार. आप बताएं उसे रोकने के लिए हमें क्या करना होगा.
उस खंडर पर निगरानी रखो। ये तो तय है कि आज की रात शिरडी में किसी को नींद नहीं आएगी। सब उस फकीर के पास होंगे, उन पर दृष्टि बनाए रखो और उनका जो भी निर्णय होता है तुरंत आकर मुझे बताओ। हरिओम। जी सरकार। जी चलिए। फकीर, यदि तू डाल डाल तो मैं पास पास, तू जो भी सोचेगा उसका तोड़ मैं पहले से निकाल के रखूंगा। हरिओम। पंताजी, इन मनहूसों के चक्कर में सरकार ने मुझे खाना भी नहीं खाने दिया। संता जी, मेरे होते हुए आप चिंता क्यों करते हैं? मैं आपको भूखा नहीं रख सकता। ये देखिए। वाड़े से आते समय उठा खिलाया था मैं। वाह पंता जी, आपने तो लूटने वाले को ही लूट लिया। खाइए खाइए। लाइए लाइए। खाते खाते जासूसी करते हैं। लगता है वो मदद करना ही नहीं चाहते, इसलिए इतनी कम मोहलत दी। ना होने से कुछ होना भला है भीवा। लेकिन साईं, एक दिन में तरीका कैसे सूझेगा? संभव ही नहीं है। माफ कीजिएगा साईं, मुझे भी कुछ खास उम्मीद नहीं है। कभी कभी हमें रास्ता इसलिए नहीं दिखता क्योंकि हम बहुत पास से देख रहे होते हैं नाना। साई, ये तो शिरडी का नक्शा लगता है। सही पहचाना केशव, ये शिरडी ही है। अंग्रेज सरकार इस जगह तक सड़क बनाना चाहती है जो शिरडी को बीचों बीच चिरती हुई जाएगी। लेकिन इस बिंदु से इस बिंदु तक पहुंचने के लिए एक और विकल्प भी है, एक और मार्ग भी है जो गांव के बाहर से जाता है। यहां से जहां खाली जगह है, ना किसी का खेत, ना दुकान, ना ही मकान, तो ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि सड़क यहां से बने? आपका सुझाव अच्छा है साईं, लेकिन नहीं मानेगा अल्बर्ट।
की सड़क अगर घूम कर जाएगी तो काम बढ़ेगा, लागत बढ़ेगी और इस रास्ते को बनाने में ज्यादा मजदूर और ज्यादा सामान लगेगा। ब्रिटिश सरकार फिजूल खर्च नहीं उठाएगी। मुझे पता है नाना कि अंग्रेज सरकार पूरा खर्च नहीं उठाएगी, लेकिन अगर हम अपना नुकसान नहीं चाहते तो कुछ जिम्मेदारी हमें भी उठानी होगी। और हो सकता है अगर हम एक कदम आगे बढ़ाएं तो शायद वो भी एक कदम बढ़ाने के लिए मान जाए। कल हम ये प्रस्ताव उनके सामने रखेंगे। बाकी अल्लाह मालिक। यही है वो फकीर। तो आपने प्लान सोच लिया? ठीक है, बताइए। तो ये सुझाव है आपका चांदोरकर जी, है? ये है सुझाव आपका चांदोरकर जी। अंग्रेज सरकार की क्या मति मारी गई है कि कुछ एक घर बचाने के लिए वो इतना व्यय करेगी? मिस्टर कुलकर्णी ने सही कहा, ब्रिटिश हुकूमत ने इस सड़क बनाने के लिए जो धनराशि तय की है उससे अधिक खर्चा नहीं कर सकती। मिस्टर थांदोरकर, कम से कम आपसे ये उम्मीद नहीं थी। लगता है आजकल आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करने की जगह अनपढ़ फकीरों की सलाह लेना शुरू कर दिया। आप जो सुझाव दे रहे हैं वो नामुमकिन है, असंभव। जब नीयत सही हो और मेहनत करने का जज्बा हो तो असंभव भी संभव हो जाता है। सुन लिया अल्बर्ट साहेब, क्या कहा था मैंने? ये फकीर हमेशा से ही इस गांव के विकास के विरोध में रहा है। मैंने अपने बेटे केशव को लंदन भेजा था बैरिस्टर बनने के लिए। एक बार वो छुट्टियां मनाने के लिए यहाँ आ गया तो उस फकीर ने उस पर अपना काला जादू करके उसे अपने वश में कर लिया, उसका मत प्रवर्धन कर दिया ताकि वो यहाँ रहकर छोटा किसान बनकर काम करता रहे। ये चाहता है कि गांव वाले अनपढ़ अशिक्षित रहे ताकि वो उनको पट्टी पढ़ाकर हमेशा उनको अपने वश में रख सके। आप देखिएगा, ये फकीर सुनिश्चित करेगा कि गांव वाले कभी भी सड़क के लिए सहमत ना हो। ये तुम्हारी कोई राम कहानी नहीं, जहां चमत्कार से असंभव भी संभव हो सकता है। चमत्कार नहीं, लेकिन संगठन में वो शक्ति है जिससे हर असंभव चीज संभव हो सकती है। यही वो शक्ति है
जिससे राम जी ने सेना इकट्ठा कर लंका जीती थी। जो राशि ब्रिटिश सरकार ने तय की है उतने में ही शिरडी के बाहर से भी सड़क बन सकती है, क्योंकि संगठन और आपसी सहयोग से बढ़कर कुछ भी नहीं। हम और आप भी नहीं। बहुत शौक है ना तुम्हें बड़ी बड़ी बातें करने का। ठीक है, मान लो तुम्हारी बात मान ली, लेकिन तुम ये काम कैसे करोगे? क्या जानते हो तुम सड़क बनाने के बारे में? क्या तुम तकनीक जानते हो? क्या तुम जानते हो किस कच्चे माल का उपयोग किया जाता है सड़क बनाने में, और उस प्रोसेस में कितना वक्त लगता है? जो नहीं जानते वो सीख जाएंगे। क्या इतना विश्वास है कि तुम ये कर सकते हो? अकेला मैं क्या कर सकता हूँ? वैसे एक उंगली लाठी का बोझ उठा पाई है कभी? लेकिन मुट्ठी आसानी से लाठी उठा लेती है। वैसे ही एक इंसान कुछ नहीं कर सकता, लेकिन जब सब लोग मिलकर एक हो जाएं और उन्हें राम जी का आशीर्वाद मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि अगर हमारे और आपके हाथ एक दूसरे से जुड़ जाएं, आपकी शक्ति और हमारा जज्बा मिल जाए तो हम कुछ भी कर सकते हैं। असंभव संभव हो सकता है, ये सड़क भी बन सकती है। तुम तो बड़े जानकार लगते हो, हर सवाल का जवाब है ना तुम्हारे पास, तो हमारी क्या जरूरत? आज से, बल्कि अभी से हम शिरडी में सड़क बनाने का काम बंद करते हैं। अल्बर्ट साहेब, ये आप क्या कह रहे हैं? अब ये सड़क तुम बनाओगे। अपने लोगों को साथ लेकर हमारा एक भी मजदूर नहीं मिलेगा। लेकिन ये कैसे? क्यों नहीं हो सकता? क्या आपने नहीं सुना? सहयोग से सब संभव है। तो ये करके दिखाए। और इसके लिए मैं तुम्हें एक महीने की मोहलत देता हूं। अगर एक महीने में सड़क नहीं बनी तो शिरडी के बीचों बीच से एक नहीं दो सड़कें जाएंगी। और इसके कारण जिनके घर टूटेंगे, दुकानें टूटेंगी, जमीन जाएगी, उसका मुआवजा भी नहीं मिलेगा। बोलो, मंजूर है? क्या तुम बनाओगे सड़क? मुझे भी देखना है, बिना मजदूरों और पैसों के, बिना जानकारी और हुनर के, सिर्फ आपसी संयोग से कैसे बनती है यह सड़क। अब भी समय है, मेरी शर्त ना मंजूर करके तुम साबित कर दो कि तुमसे ढोंगी हो, कि तुम्हारी बातें सिर्फ बोलने की है। ये अल्बर्ट क्या कर रहा है? ये फकीर कोई काला जादू करके सड़क बनाना ले। अल्बर्ट साहब, इतना बड़ा निर्णय इस फकीर के भरोसे कैसे छोड़ सकते हैं आप? अगर ये सबके पक्ष में अकेला बोल सकता है तो सबके लिए अकेला फैसला भी ले सकता है। ये साजिश रच रहा है साई को फंसाने के लिए। एक महीने में ये कार्य असंभव,
उसकी बातों में आकर कहीं साईं हाँ ना कर दे। बोलो, मंजूर है? मंजूर है। एक महीने में कैसे होगा? ना जाने साई के मन में क्या है। मन में साई के क्या है, कौन जान पाए। ओम साई ओम। अपनी भड़ास किसी बेजुबान पक्षी पर निकालना, ये कहां तक सही है पिताजी? सही कहा तुमने केशव। गोली तो उस फकीर को मारनी चाहिए जिसने सत्यानाश कर रखा है शिरडी का। क्या आपने अपनी दलाली, अपना मुनाफा, इसके अलावा कभी किसी और के बारे में सोचा है? क्या अपने पिता से ऐसे बात की जाती है केशव? यही सिखाया है उस फकीर ने। मेरी छोड़ो, अपनी सोचो। उस फकीर की संगति में अपना विवेक खो चुके हो तुम। ये नहीं देख पा रहे हो कि उस फकीर ने छोटी सी चिंगारी को आग बना दिया है, बड़ी आग। उस फकीर ने जो शर्त मान ली है उसका पूरा होना केवल असंभव है। जानते हो आगे जाके इसका क्या परिणाम होगा? अल्बर्ट दो सड़कें बनवाएगा शिरडी में, दो सड़कें। गांव नहीं गली बनकर रह जाएगी हमारी शिरडी। इस बार दुगने लोग बेघर हो जाएंगे, किसी को क्षतिपूर्ति भी नहीं मिलेगी। क्या ये ठीक होगा? पता नहीं तुमने और गांव वालों ने उसकी बात कैसे मान ली। किसी ने विरोध क्यों नहीं किया? हद हो गई अंधभक्ति की। देख लेना, भुगतोगे, सबके सब भुगतोगे उस फकीर के कारण। साई ने कहा है तो कुछ सोच के ही कहा होगा। और हाँ, देखेंगे हम नहीं, आप देखिएगा। किसी बात का तो डर है। मतलब सरकार, ये बात अब केवल उस फकीर के शर्त तक सीमित नहीं रही, मेरे मान सम्मान तक पहुंच गई है। अगर वो फकीर ये न के न प्रकारे न सफल हो जाता है अपने उद्देश्य में, तो अंग्रेज सरकार के सामने मेरे नाक कट जाएगी। चाहे जो भी हो, किसी भी हाल में मैं उस फकीर को सफल होने नहीं दूंगा। हरिओम। परंतु सरकार, हम उसे रोकेंगे कैसे? और मैं जो कहूंगा ठीक वैसा ही करना। क्या गलत कहा हमने? अच्छा, तुम लोग ही मुझे एक बात बताओ, क्या तुम्हें नहीं लगता कि उस फकीर को इतना बड़ा फैसला लेने से पहले कम से कम एक बार तुम लोगों से पूछना चाहिए था? बताओ। कहने को तो फकीर, लेकिन करनी में तानाशाह। जो उसकी मर्जी होगी वही होगा। ऐसा नहीं है, साई को सबकी चिंता है, सब पता है उन्हें, इसलिए उनका फैसला हमारे हित में ही होगा। हाँ। अच्छा, पर मेरी एक बात तुम सब कान खोल कर सुन लो। इस बार ना तो उस फकीर की कोई बातें काम आएंगी, ना ही उसका कोई चमत्कार।
इस बार जो उसने चुनौती ली है वो संभव भी नहीं है। संगठन से सड़क बनती तो देश कब का विकसित हो जाता। ना तो उस फकीर को सड़क के बारे में कुछ पता है और ना ही तुम लोगों को। उस फकीर के एक गलत फैसले ने तुम सब लोगों की जिंदगी दांव पर लगा दी है और ये सब तुम देख भी नहीं पा रहे। हमें साई पर पूरा भरोसा है। अच्छा, फिर तो उस फकीर को भी तुम पर पूरा भरोसा होगा। हाँ। होगा ना? और उसने तुम्हें बताया होगा ना कि वो क्या करने वाला है। लो पंता जी, ये बनाएंगे सड़क। चलिए पंता जी। लेकिन साई ने अपनी योजना किसी को बताई क्यों नहीं है? साई से बात करनी होगी। ऐसा नहीं है कि लोगों को आप पर विश्वास नहीं है, लेकिन अपने डर, अपनी शंका पर काबू पाना आसान तो नहीं है ना। बात अब एक सड़क की नहीं, दो सड़क की होने लगी है। लोगों के अंदर दो सड़क बनने का खौफ है। अगर हम ये सड़क नहीं बना पाए तो निश्चित ही गांव में हर एक अपना घर, अपनी दुकान, अपनी जमीन से हाथ धोना पड़ेगा। गांव में ऐसा कोई नहीं होगा जो इससे प्रभावित ना हुआ होगा, क्योंकि ये समस्या सुरसा की तरह मुंह फाड़े खड़ी है। लोग समझ ही नहीं पा रहे कि वो सड़क कैसे बनवाएंगे, और वो भी एक महीने में। विवाह, सड़क तो जब बनेगी तब बनेगी, लेकिन उससे पहले लोगों में विश्वास जगाना जरूरी है कि संगठित होने पर हम ये काम तो क्या, दुनिया का हर काम पूरा कर सकते हैं। साई, इसमें कोई दो मत नहीं कि आप लोगों को संगठित कर लेंगे, लेकिन सवाल वहीं का वहीं है, इस सड़क कैसे बनेगी? हम में से किसी के पास ना तो जानकारी है ना तजुर्बा, कौन बताएगा हमें? साई, हे खंडोबा, हमारे गांव पर आई इस मुसीबत से हमें छुटकारा दिलाइए। सोपान, हम सब यही मानते हैं कि जो होता है राम जी की रचना से होता है। मैंने किया, हमने किया, हम करेंगे, ये अहम अक्सर नुकसान ही करता है। अगर राम जी ने मेरे मुंह से ये बुलवाया है कि हम सब मिलकर सड़क बनाएंगे, तो हमें इस मंजिल तक कैसे पहुंचना है वो राम जी ही तय करेंगे। हम श्रमदान करने के लिए तैयार हैं तो राम जी जानकारी और तजुर्बा लेकर भी किसी को भेज ही देंगे। Om Sai.
रुक क्यों गए? अंदर आओ, शिरडी के इस खंडोवा मंदिर में सबका स्वागत है। आओ। नया आए हो शिरडी में? जी, धीर नाम है मेरा। अयोध्या से आया। अयोध्या से? राम जी की नगरी से आए हो? मैं मानसपति, इस खंडोवा मंदिर का पुजारी। खैर ये बताओ, शिरडी आना कैसे हुआ? किसी काम से आए हो या किसी से मिलने? यही तो रहस्य। यहां आ तो गया हूं पर शायद अपने इष्ट को ढूंढने। एक गलती की वजह से मेरे राम, मेरे इष्ट मुझसे दूर हो गए हैं। उनको वापस पाने। राम जी, सबको नई जिंदगी शुरू करने का एक मौका मिलता है, तो फिर मैं अभागा इससे वंचित क्यों हूं? रोज इस उम्मीद के साथ यहां आता हूं कि मुझे भी प्रायश्चित करके एक नया जीवन शुरू करने का एक मौका मिले, लेकिन आपके पास आने का मौका भी नहीं मिल पाता है मुझे। नाराज हो राम जी से? नहीं बाबा, खुद से। नाराज तो मैंने कर दिया है उन्हें। राम जी तो दया के सागर है, वो अपने भक्तों से भला कैसे नाराज हो सकते हैं? रही बात प्रायश्चित और नई शुरुआत की, अगर दूसरा मौका मिला तो उसका सदुपयोग कर पाओगे? दोबारा गलती तो नहीं करोगे? नहीं बाबा, बस मुझे नई शुरुआत का एक मौका तो मिले, इस बार कोई भी गलती नहीं करूंगा। आपको यकीन दिलाता हूं। यकीन तो तुम्हें खुद को दिलाने की जरूरत है। चलो, तुम्हें नई शुरुआत का एक और मौका दिया राम जी ने। अब जितनी जल्दी हो सके बंबई सूबे के शिरडी गांव पहुंच जाओ। शिरडी? लेकिन मैंने तो पहले कभी इस गांव का नाम भी नहीं सुना। अब सुन लिया ना? अब जितना जल्दी हो सके शिरडी गांव जाओ, वहीं तुम्हारा कल्याण होगा। लेकिन वहां जाकर करना क्या होगा मुझे? शिरडी पहुंचने पर जो पहला व्यक्ति तुम्हें मिलेगा वो तुम्हें तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचा देगा। हाथ आगे करो, कुछ देना है तुम्हें।
ये तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। ये और तुम्हारा जीवन दोनों शिरडी जाकर ही सार्थक होंगे। एक और बात कहनी है, दूसरा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस अवसर का सदुपयोग करना। और हाँ, तुम्हारे मार्ग में कई प्रलोभन आएंगे, अगर तुम उनसे दूर रह सके तो सही मार्ग पर बने रह सकते हो। और फिर राम जी से तुमने जो जो मांगा है तुम्हें सब मिलेगा। जैसा आपने कहा है मैं बिल्कुल वैसा ही करूंगा। साधु बाबा जो मेरे सामने थे वैसे अचानक से कैसे गायब हो सकते? ऐसा किसी इंसान के लिए संभव है? कहां खो गए? क्या हुआ, कहां खो गए? तो मुझे ये बताने वाले थे कि तुम शिरडी में किस लिए आए हो और किससे मिलने, लेकिन तुम तो अचानक ही खो गए। मुझे एक साधु बाबा ने कहा कि मैं शिरडी जाऊं और मुझे वहां जाकर जो पहला व्यक्ति मिलेगा वही मुझे मेरी मंजिल तक पहुंचाएगा, और उस हिसाब से तो पहले व्यक्ति आप मुझे जहां ले जाएंगे वही मेरी मंजिल। देखो, मैं नहीं जानता तुम्हारी समस्या क्या है, किस वजह से तुम यहां आए, लेकिन अपने तजुर्बे से ये कह सकता हूं कि तुम जो कहना चाहते हो स्पष्ट नहीं कह पा रहे हो, और मैं पूछूंगा भी नहीं। और रही बात तुम्हारे लक्ष्य तक पहुंचने की, तो शिरडी में आकर हर किसी की खोज एक ही जगह जाकर समाप्त हो जाती है, और वो है साई। साई? साई जो हर सवाल का जवाब है और हर समस्या का समाधान है। मुझे पूरा यकीन है कि साई ही तुम्हारी भी मंजिल है। चलो मेरे साथ। जी, ये मालसापति अपने साथ किसे लिए जा रहा है? कहीं इसका उस सड़क से कोई लेने देना तो नहीं है? चलिए पता लगाते हैं। सबकी खबर रखने का ठेका जो ले रखा है हमने। हाँ चलिए चलिए। शिरडी के लोगों का डर लाजमी है साईं। सिर्फ एक महीने का समय दिया गया है, हमारी योजना क्या होगी इस बारे में हमने अब तक सोचना भी शुरू नहीं किया है। कुछ तो बोलो साईं, क्या ढूंढ रहे हो तुम कब से? इरादे नेक हो तो सपने भी साकार होते हैं अध्यापक जी। साई प्रणाम। साई
साई ये धीर है, अयोध्या से आया है। प्रणाम साई। राम जी भला करें। राम जी की भूमि से आए हो, मतलब राम जी की कृपा साथ लेकर आए होंगे। अयोध्या से शिरडी इतनी दूर? आदेश मिला और उसे श्रद्धा भाव से निभाने आया। साईं तो फकीर, भला ये मेरी समस्या का हल कैसे दे सकते हैं और ये जगह मेरी मंजिल कैसे हो सकती है? दूसरा मौका पाने की बेताबी में कहीं मैंने कोई बहुत बड़ी चूक तो नहीं कर दी? हीर, तुम्हारी एक अमानत मेरे पास है, आओ और ले लो। मेरी अमानत आपके पास? लेकिन मैं तो आपसे पहले कभी मिला ही नहीं। हम सब कभी ना कभी, कहीं ना कहीं, किसी ना किसी रूप में एक दूसरे से पहले मिल चुके हैं। आओ। ओ, सुख दुख आने जाने हैं, धूप और साए बाबराए, मनवा तेरा उलझ न जाए। मन में आशा के दीपक बुझने न पाए। सुबह हाथ आगे करो, आएगी ये रात समझाए। ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम साई, ओम। ये तुम्हारे जीवन का प्रतीक है। ये और तुम्हारा जीवन दोनों शिरडी जाकर ही सार्थक होंगे। सही कहा था उस साधु बाबा ने, ये सिक्का तुम्हारा जीवन है, दोनों शिरडी जाकर ही सार्थक होंगे। ये सिक्का तो आपने पूर्ण कर दिया साईं, क्या आप मेरी जिंदगी को भी पूर्णता देंगे? मैं अपनी पिछली गलतियों का प्रायश्चित करना चाहता हूं, जिससे मुझे भी जीवन में एक नई शुरुआत मिले। धीर, तुमने ये तो बताया ही नहीं कि तुम काम क्या करते हो, मतलब तुम्हारा पेशा क्या है? जी, मैं अभियंता हूं।
मकान, दफ्तर और सड़कें बनाता हूँ। सच में आपकी लीला न्यारी है साईं। ऐसे अचानक से क्या हो गया जो आप सब इतने खुश हो गए? तुम्हारे साथ साथ इन लोगों की तलाश भी आज खत्म हो गई है थी। जब कठिनाई छाई तू ही याद आया, भटके राही को तूने रास्ता दिखाया, तूने भक्तों का बेड़ा लगाया, तेरी महिमा मेरे साई कौन जान पाए। मिस्टर कुलकर्णी, उस फकीर ने यहां से रास्ता बनाने का सुझाव देकर अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारी है, क्योंकि यहां पे कहीं मिट्टी के टीले हैं, तो कहीं पहाड़ है, यहां पे कहीं गड्ढे हैं, तो कहीं से पानी बहता है। ब्रिटिश सरकार अपने मॉडर्न मशीन्स यूज करके भी ये रास्ता 3 महीने में नहीं बना सकती, और आप मिस्टर कुलकर्णी चिंतित है कि गांव वाले ये सड़क बना लेंगे, वो भी 1 महीने में। हरिओम हरिओम, अल्बर्ट साहब आप समझ नहीं रहे हैं, वो काला जादू जानता है। Stupid superstitions, अगर वो फकीर जादू से सड़कें बना सकता तो अब तक वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी बन जाता। सरकार 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 सरकार, क्या हुआ सरकार? गई भैंस पानी में। हाँ सरकार, गांव वालों को एक अभियंता मिल गया जो उन्हें सड़क बनानी सिखाएगा। आप हंस रहे हैं? आपकी जादू वाली बात सुन के मेरी हंसी नहीं रुक रही। जादू छोड़ी अल्बर्ट साहेब, गांव वालों के हाथ अभियंता लग गया है। अभियंता कहीं उन्होंने अभियंता की सहायता लेके सड़क बना ली तो आपकी भी नाक कट जाएगी। कैसे बनाएंगे? मैंने अभी अभी कहा ना, इस एरिया में सड़क का काम करना असंभव है। आपको क्या लगता है हमने ये एरिया से रास्ता बनाने के बारे में पहले नहीं सोचा? शुरुआत में हम भी गांव वालों के घरों को तोड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन जब हमने इस इलाके का सर्वे किया तब शिरडी के बाहर से बाहर सड़क बनाने का विचार छोड़ दिया। जो नामुमकिन है उसे मुमकिन नहीं किया जा सकता। मैं इस गोरे के भरोसे बैठा नहीं रह सकता हरिओम। मुश्किल जरूर है, नामुमकिन नहीं। सवाल किसी एक के घर का नहीं, पूरे गांव का है, और इसलिए हम सबको मिलकर इस समस्या का सामना करना होगा। हम सब साथ मिलकर धीर के नेतृत्व में काम करेंगे। शिरडी का हर आदमी औरत अपनी अपनी क्षमता के अनुसार श्रमदान करेगा, लेकिन काम करते वक्त आप सबको एक बात का ध्यान रखना होगा। आप सबको खुद को यह समझाना होगा कि ये काम आप अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए कर रहे हैं, अपने गांव, अपने कुनबे के लिए कर रहे हैं। एकता और सेवा भाव से भरा ये जज्बा ही हमको कामयाब बना सकता है। तैयार है साईं। धीर, तुम नई शुरुआत करना चाहते थे ना? ये तुम्हारी नई शुरुआत है। साईं, मैं इस जिम्मेदारी को निभाने की पूरी कोशिश करूंगा, अपनी ओर से कोई कोर कसर नहीं छोड़ूंगा। इससे पहले तुमने कोई बड़ा काम तो किया होगा ना, मतलब अनुभव तो काफी होगा तुम्हें। जरूर होगा भाई, साईं ने अगर धीर को चुना है तो जरूर इस काम के लिए धीर से ज्यादा काबिल और ईमानदार इंसान और कोई हो ही नहीं सकता है। तुमने इससे पहले कितने सड़कें बनाई है?
ब्रिटिश सरकार का काम करते थे या निजी? दिखने में तो कम उम्र के हो, काम करना कब शुरू किया तुमने? बीती बातों को याद करने में समय क्यों गंवाएं? फिलहाल हमारे लिए इतना ही काफी है कि धीर के पास वो ज्ञान है जो हम सबके काम आ सकता है, और इसलिए धीर ही हमारा नेतृत्व करेगा। तुम्हें कोई ऐतराज तो नहीं है ना? नहीं साईं, आपने बोल दिया, ये मेरे लिए राम जी के आदेश से कम नहीं। नमस्कार, मेरा नाम धीर है, मैं एक अभियंता हूँ। मुझे गांव की सड़क निर्माण योजना के लिए गांव का नक्शा चाहिए। हरिओम। तो तुम हो वो अभियंता जिसकी गांव में बहुत चर्चा हो रही है। मैं कुलकर्णी सरकार इस गांव का मुखिया हूं। मेरे गांव में सड़क बनाने जा रहे हो और मुझसे भेंट करना आवश्यक भी नहीं समझा तुमने। माफ कीजिएगा, आपके बारे में मुझे किसी ने बताया नहीं। और कोई बताएगा भी नहीं, क्योंकि मेरे द्वारा तुम्हें सच्चाई पता चल जाएगी और तुम भाग जाओगे यहां से। सुनोगे सच्चाई? ब्रिटिश सरकार को चुनौती देकर गांव वाले सड़क बनाने चले हैं। सड़क, एक ऐसी भूमि पर सड़क बनाने जा रहे हैं जो असमतल है। कई पर छोटी बड़ी चट्टानें हैं, तो कई खाई हैं, कहीं से पानी बह रहा है। अगर तुम थोड़ी सी भी जानकारी रखते हो तो तुम्हें ज्ञात हो जाएगा कि उस जगह सड़क बनाना केवल असंभव है। अब इतना सब जानने के उपरांत भी अगर तुम गांव वालों से जुड़ जाते हो तो निश्चित रूप से ब्रिटिश सरकार के प्रकोप का शिकार बन जाओगे तुम, क्योंकि ये तो तय है कि उस जगह सड़क बन ही नहीं सकती। कहीं ऐसा ना हो कि उस फकीर की लुभावनी परंतु खोखली बातों में आकर तुम्हारा भविष्य चौपट ना हो जाए। दूसरा मौका बार बार नहीं मिलता, इसलिए पूरी ईमानदारी और मेहनत से इस अवसर का सदुपयोग करना। और हाँ, तुम्हारे मार्ग में कई प्रलोभन आएंगे, अगर तुम उनसे दूर रह सके तो सही मार्ग पर बने रह सकते हो। साईं से मिलने के बाद मैंने जो अनुभव किया उससे तो मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। सच तो ये है कि साईं से मिलने के बाद मेरे अंदर एक उम्मीद जागी। आप भविष्य बिगड़ने की बात कर रहे हैं, पर मुझे तो ऐसा लगता है कि साईं मेरा भविष्य संवार देंगे। शायद मुझे जिस दूसरे मौके की तलाश थी वो मुझे यहाँ आकर मिला, इसलिए मैं पूरे यकीन से कह सकता हूँ कि साईं की आज्ञा पालन में ही मेरी भलाई। हरिओम,
मेरे पास अभी बात करने के लिए समय नहीं है, तुम एक काम करो मेरे वाड़े पर आ जाओ, वहां बैठेंगे, बात करेंगे, एक दूसरे को जानेंगे पहचानेंगे। हरिओम। तुमने जिस दूसरे अवसर की बात की तो शायद मैं उसमें तुम्हारी कुछ मदद कर सकूं। इसने तो सीधे सीधे आपके मुंह पे मना कर दिया और फिर भी आपने उसे वाड़े आने का निमंत्रण दे दिया। मैं कुछ समझा नहीं सरकार। या मूर्ख शिरोमणि, उसने क्या कहा तुमने सुना नहीं? दूसरा अवसर। क्यों चाहिए उसे दूसरा अवसर? इसका सीधा सीधा अर्थ है कि इससे पहले उसने कुछ गड़बड़ की थी, और जो एक बार गड़बड़ कर सकता है तो वो दूसरी बार भी गड़बड़ कर सकता है। उसे दूसरा अवसर चाहिए और मैंने अवसर बुनाने की दिशा में एक पहल की है, इसलिए उसे बुलाया है। हरिओम। अरे वो आएगा तब आएगा, उससे पहले तुम दोनों को एक काम करना होगा। सारा सामान रखवा दिया है अंदर, अब चलो वापस द्वारका में ही चलते हैं। चलो। कौन है वह? कुत्ता या बिल्ली होगा, छोड़ो उसे, चलो। चलो। क्या रखवाने गए थे गोदाम में? अंग्रेजी सरकार के कुछ औजार थे जिसे वो शिरडी के बीच बनने वाली सड़क के लिए इस्तेमाल करने वाले थे। अब चूंकि सड़क हम लोग बना रहे हैं तो सर एल्बर्ट ने कहा कि हम उन औजारों का इस्तेमाल कर सकते हैं, इसलिए मैंने उन औजारों को अपने गोदाम में रखवा दिया। अच्छा किया तुमने, अब जरा जल्दी जल्दी कदम बढ़ाओ, धीर इंतजार कर रहा होगा हमारा द्वारका भाई। उसने कहा था कि आज रात वो हमें पूरी योजना बताने वाला है। जी। सब लोग ध्यान से देखिए, सड़क यहां से शुरू होकर यहां तक खत्म होगी। पूरा कार्य चार चरणों में होगा। सबसे पहले जमीन पर उगे हुए घास और छोटी छोटी झाड़ियों को हम काटेंगे, साथ साथ रास्ते में जो भी छोटे बड़े पत्थर और चट्टाने होंगी हम उन्हें हटाएंगे। उसके बाद जहां पर गड्ढे हैं और जहां से पानी बहता है उनको समतल करते हुए ऊंची नीची जमीन को एक समान बनाएंगे, और उसके बाद मिट्टी की एक मोटी परत को पूरी जमीन पर बिछाएंगे, और सबसे आखिरी में लकड़ी के एक मोटे लट्ठे को पूरे जमीन पर घुमाते हुए पूरे रास्ते को सपाट और समतल बनाएंगे। एक और बात, ब्रिटिश सरकार के द्वारा दिए गए औजार, उससे हमें मदद तो मिलेगी लेकिन हमें और सामान खरीदने के लिए अपने प्रयासों से धन इकट्ठा करना होगा। इतना सब कुछ कैसे होगा? ये सारा काम तो नामुमकिन जैसा लग रहा है।